जी, अब आपकी पूजा होने वाली है, हमारा नाम काट दो, सबका काटो और बोलो, ताकि लोगों में सारा मैसेज चला जाए। तो बड़े अच्छा यहाँ जलसा हुआ, इजलास हुआ, और नौजवान एमएलए जो बना है उसने बड़े अच्छे ढंग से ये प्रोग्राम करवाया और आप लोगों ने सहयोग किया, मैं भी इसका शुक्रिया करता हूँ। जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी हालात को आप किस नजरिए से देखते हैं, खासकर जो हुकूमत अभी काम कर रही है, और ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री दो पावर सेंटर बने हुए? बिल्कुल ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस एक एमजी ऑफिस। यस, जम्मू कश्मीर के हालात के मद्देनजर आप वो इसलिए बन रहे हैं कि जब आपका यहाँ यूटी खत्म नहीं हुई तो दो रहेंगे नहीं क्या? जब तक यूटी बने रहेगी तब तक यही हाल रहेगा। ये सरकारें, आप सोचो कि सरकारें उस तरीके से बन पाएंगी, चला पाएंगी, ये आसान नहीं है। ये जंग है, लड़ाई है, एक जंग जीती है कि सरकार उनकी नहीं बनने दी, और दूसरी है कि हम अपनी स्टेट को कैसे रेस्टोर करें। ये तो सड़कों में आना पड़ेगा, सिंपल बात है, और हम तैयारी कर रहे हैं, सड़कों में आएंगे और ये सारे मसले हल करेंगे। अदरवाइज ये बेशर्म लोग हैं, आप जानते हैं, ये कभी भी नेवर दे टॉयलेट, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जम्मू कश्मीर पे कंट्रोल, ये कंट्रोल कर रखा है, रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं हमको और हमारे आवाम को। तो आवाम को भी सोचना चाहिए। और दूसरा नंबर, अगर इनमें बड़ी ईमानदारी है तो इलेक्शनों में आप जानते 34 सेक्शन है, यूनो पैटर्न 34 सेक्शन कहती है कि कोई आदमी किसी से कोई इन्फ्लुएंस करके वोट नहीं लेगा। मुझे बताओ, शराब उड़े, पैसा चले, ईवीएम का सत्यानाश हो, तो मुझे बताओ ये 34 सेक्शन, वेयर इज द फंक्शनिंग, वेयर इज द इलेक्शन कमीशन, ओथर टी एन सेशन। अब सब फ्रॉड है, सब झूठ है, कोई इलेक्शन नहीं जीत पाएगा जो हाल बन गया। आपने देखा नहीं, अभी महाराष्ट्र में 31 एमपी हैं, तो आप सोचो वहां कहां चले एमएलए बन पाए, क्यों नहीं बन पाए? वो एक इकोनॉमिक सेंटर है पूरी कंट्री का, उसको कब्जा करना था, कर लिया, और तो आप क्या सोचते हो कि उन्होंने इलेक्शन लड़के जीता है? हैं, पैसा एमएलए के इलेक्शन में 45 लाख, तो आप खर्चा कर रहे हो 200-200, 400-400 करोड़। हमारा तो एरिया अभी गरीब है, यहां भी 3-4 करोड़ के नीचे, 4-4, 5-5 करोड़ खर्चा बीजेपी के लोगों ने, ये हाल है। ईवीएम के सर, आप समझते हैं कि ईवीएम की गड़बड़ होती है, तो इसके खिलाफ भी क्यों एक आवाज ऐसी तारीख की जाती है? खिलाफ की इलेक्शन कमीशन को कहा, गवर्नमेंट में कहा, पार्लियामेंट में कहा, मैंने कहा नहीं, बेशर्म होते, टीढ़ होंगे नहीं, ये टीढ़ हो सा क्या करने हो। सर, आपने जम्मू कश्मीर के मिलिटेंसी के हालात को काफी नजदीक से देखा है, आप पे भी हमले हुए, कुछ देर तक हालात ठीक भी रहे हैं, आप जिस जिला से आते हैं कठुआ जिला, वहाँ के हालात भी पिछले कुछ वक्त से आपके कोई शक हालात को आप किस तरह से? ये हालात इन्होंने खुद खराब होने दिए, आपको पता होना चाहिए। हमारी हाई रिचेस पे, खास करके हाई रिचेस पे सारे सीआरपीएफ और आर्मी लगी हुई थी, जैसे बनी का एरिया है, भाई मलार का एरिया है, आपके एरिया भी हैं, और सारी की सारी इन्होंने उसको नीचे कर दिया। और आप सोचिए, बीएसएफ कहां के लिए होती है? बॉर्डर के लिए, और बॉर्डर से उठाई तो कहां भेजी? इलेक्शन में बॉर्डर खाली क्यों छोड़ा? आप क्या सोचते, बॉर्डर भरा था? अगर बॉर्डर की पुलिस इनके पास इतनी ज्यादा फोर्स है, तो फिर वो बॉर्डर पे, इसका मतलब है कि ज्यादा फोर्स है ना, फिर तो फिर ज्यादा, तो ये हालात कैसे हुए? लोग क्रॉस कैसे, टनलें निकल गई, टनलें आपने देखा कितनी टनल्स निकल गई, कितनी तबाही हो, कितने आपके ड्रोन यहां क्रॉस हो गए, और ड्रोन ने नशा, पैसा, सारी चीजें इन्होंने सारी पहुंचा दी है। इसलिए देखो, इस सरकार को बदलोगे नहीं तो बचोगे भी नहीं। वो कहते हैं, वो उल्टी बात कहते, वो भी कहते हैं बचो, कटो बटो, बकवास, सब गलत। हमें सबको लड़ना है, स्ट्रगल करनी है, संघर्ष करना है, ठीक है जी, मां काल पालो, आपको भी कह रहा हूं, लड़ना है, स्ट्रगल करनी है, सबको एक रहना है।